एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल दोपहर सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में 4 पंजाब के हैं, 1 ओडिशा का है। वहां कल दोपहर 3 बजे के करीब यह घटना हुई। भिम्बर गली और पुंछ के बीच राजौरी सेक्टर में हादसा हुआ। आतंकवादियों ने भारी बारिश और कम दृश्यता का फायदा उठाया और सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। इस दौरान ग्रेनेड के संभावित हमले से गाड़ी में आग लग गई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। हमले में 1 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। फोरेंसिक विभाग के आला अधिकारियों की टीम अब राजौरी पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस बारे में देंगे। राजीव, कितनी टीमें अभी मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, क्या जांच पड़ताल चल रही है? देखिए, जो घटना हो गई है, जितनी तमाम सुरक्षा एजेंसियों की टीम है वहां एक एक कर पहुंचने शुरू हो गई है। पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है वहां पहुंच चुकी है, सेना के भी फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची हुई है। वो बाकायदा इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर ये धमाका हुआ है तो कैसे हुआ है, किस तरह आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा आज NIA की टीम भी वहां घटनास्थल पर पहुंच रही है, तो सारे एंगल से जांच किया जा रहा है। क्या ये ग्रेनेड से धमाका था, फ्यूल टैंक के पास पटा है, या फिर सीमा पार से, कहा यह भी जा रहा है कि शायद एक ताजा फ्रेश जो इन्फिल्ट्रेशन विड हो, यानी ताजा सीमा पार से घुसपैठी आया हो। यहां से आपको बता दें कि पाकिस्तान सीमा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, करीब 5 किलोमीटर का फासला है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। क्या वहां से आतंकी आए हों या घटनास्थल पर ही कहीं आतंकी छिपे हों, इस तरह के कई बात निकल के सामने आ रही है। यह भी बात निकल के सामने आ रही है कि हो सकता है, यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस हमले में, इस धमाके में स्टिकी बम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की धमाके का जो कई सारे जो सिरा है उसको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। जितने सारे पुलिस के आला अधिकारी हैं, सेना के आला अधिकारी हैं, सब घटनास्थल पहुंच रहे हैं और इस मामले की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई सालों के बाद करें जम्मू कश्मीर में तो इस तरह का धमाका जो है पहली बार इस तरह का हुआ है कि एक सेना के वाहन को टारगेट किया गया है, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। वो 5 जवान शहीद हुए हैं जो राष्ट्रीय राइफल्स के हैं और आतंकवाद विरोधी अभियान में जुटे हुए हैं। जी जी, 1 जवान घायल हुए हैं राजीव, उनकी हालत कैसी है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है, जवान की हालत गंभीर बेशक है, लेकिन अभी जो स्थिति बताई जा रही है, और सेना के जो अस्पताल है राजौरी में, वहां हर संभव उन्हें उपचार दिया जा रहा है। सेना के कहना है कि उन्हें जो भी जिस तरह के उपचार मुहैया कराने की जरूरत होगी, चाहे इक्विपमेंट की बात कर ले, चाहे चिकित्सा सुविधा की बात करें, हर तरह उन्हें मुहैया कराया जाएगा। और इस घटना की बात करें, ये जो जगह है, आपको बता दें कि जम्मू से पुंछ जो हाईवे, नेशनल हाईवे, उसके पीछे पड़ता है। राजौरी से जब पुंछ जाते हैं वहां भिम्बर गली का है, पूरा पहाड़ी इलाका है। और उस दौरान जब ये घटना हुई है करीब 3 बजे, लगातार उस इलाके में भारी बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी बहुत कम था, और इसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने ऐसा कायराना हरकत किया है। पूरा पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, और इसी में संभवतः आतंकी छुप गए। लेकिन सेना का ये कहना है कि जिन्होंने इस तरह की कायराना हरकत की है उन्हें किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। 5 जवान शहीद हुए हैं राजीव, इनमें से 4 पंजाब के हैं, 1 जवान ओडिशा के हैं। उनकी पार्थिव देह कब तक उनके आवास पर पहुंचेगी, कब तक पूरा अंतिम संस्कार, लास्ट रिचुअल्स किए जाएंगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक उन सारे शवों को जो है राजौरी लेके आया जाएगा, और राजौरी में जो डिब हेडक्वार्टर है वहां उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और उसके बाद जो अलग अलग जगहों पर हैं उनके शव भेजे जाएंगे, और वहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ जो 5ों जो जवान हैं उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन 5ों जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है, अपनी ड्यूटी निभाया है, तिरंगा में लिपटा शव उनके घर जाएगा, और उनकी जो कह सकते हैं कि सरकार हर संभव उनके परिवार की केयर करेगी। रक्षा मंत्री ने भी इस घटना को दुख जताया है। अब बाकी जितने तमाम नेता, विपक्ष की बात करें, सरकार की बात करें, सब ने इस घटना को दुख जताया है और कहा यह जा रहा है कि जानबूझकर जो आतंकी जो है इस तरह की कायराना हरकत की है, छुप के हरकत की है। लेकिन सेना और पुलिस प्रशासन की टीम राजौरी पहुंच चुकी है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, यानी आतंकी कहीं छुपे भी हैं तो उनको तलाश करके उनको जल्द ही मार गिराया जाएगा। राजीव, किसी आतंकी संगठन ने अब तक जिम्मेदारी ली है इस हमले की?
देखिए, किसी भी आतंकी संगठन का भी नाम खुल के नहीं सामने आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो जैश का जो आता है, जो प्रॉक्सी आतंकी संगठन है PAF, उसका नाम सामने आ रहा है। लेकिन पक्के तौर पर कह सकते हैं कि किसी भी आतंकी संगठन ने जानकारी जिम्मेदारी इस घटना के नहीं ली है, लेकिन ये बहुत एक सोची समझी रणनीति का आतंकियों का हिस्सा है और आतंकी लगातार इस तरह के करते रहते हैं। और ये जो पूरा इलाके की बात करें, राजौरी पूंछ जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है और इस इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है कि फ्रेश इंफिल्ट्रेशन हो, यानी घुसपैठिया जो सीमा पार से आ जाए, और ये बगैर पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट के संभव नहीं है जो भी घुसपैठ होता है। हालांकि हर बार पाकिस्तान आर्मी इस बात को इनकार करती है कि वो आतंकियों को घुसपैठ में मदद कर रही है या किसी भी तरह का उन्हें हथियार मुहैया कराती है, लेकिन अक्सर देखने में आया कई बार जिंदा आतंकी पकड़े गए हैं जो सीमा पार से आए हुए हैं। तो इस तरह की बातें निकल के सामने आती रहती है कि सीधे तौर पर पाकिस्तान जो है इनको मदद करता है और इस वजह से जो आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में जो अमन चैन का माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। बिल्कुल राजीव, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई टीमें हैं जो अब जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस खबर में अपडेट आएगा। शुक्रिया। और अगली खबर गुजरात 2002 के दंगों से, जिसमें नरोदा गांव के सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। यहां 11 लोग मार डाले गए थे। बाबू बजरंगी और माया कोटनानी भी बरी हो चुके हैं। नरोदा ग्राम हत्याकांड के 21 साल बाद यह फैसला आया है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव दे रहे हैं, सुनिए। 2002 गुजरात दंगों में नरोदा गांव में जो दंगे हुए थे, 11 मुस्लिम लोगों की जो मौत हो गई थी जिंदा जलकर, उसके मामले में एक बड़ा फैसला विशेष अदालत से आया है गुजरात की, और सभी को जो आरोपी थे उनको सभी को बरी कर दिया है इस मामले में अदालत ने। और इस जो मामला है इसमें जो आरोपी थे वो पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत करीब 68 ये आरोपी थे जिनको सभी को बरी कर दिया गया है। इस मामले में काफ़ी लंबी सुनवाई चली, 21 साल बाद ये फैसला आया है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के बाद जो गुजरात में दंगे भड़के थे उसमें से ये मामला भी एक अहम मामला था, लेकिन अब अदालत ने सभी दोषियों को बरी कर दिया है। लिहाजा अदालत ने ये माना है कि सबूतों से तमाम सबूत नहीं पेश कर पाए अभियोजन एजेंसी, अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया संदेह से परे कि इन लोगों ने इस अपराध में शामिल थे या इन्हें अंजाम दिया था इस अपराध को। तो काफ़ी बड़ा मामला है, या जो पीड़ित हैं वो अब हाई कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि अब हाई कोर्ट में ही गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले की अपील हो सकती है। तो इस पूरे मामले में गुजरात के दंगों के मामले में 9 मामले चल रहे थे, 9 ट्रायल चल रहे थे जिनकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों के लिए SIT भी बनाई थी जांच के लिए और निगरानी के लिए, और इसके साथ साथ विशेष अदालतों का भी गठन किया था। और इसके बाद एक के बाद एक फैसले आए। माया कोडनानी को नरोदा पाटिया में जो हिंसा हुई थी उसके मामले में, जो दंगे हुए थे उसके मामले में निचली अदालत ने सज़ा सुनाई थी, उम्र कैद की 28 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन बाद में 2018 में गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसलों को पलट दिया था और अब एक बार फिर माया कोडनानी नरोदा गांव मामले में वो बरी हो गई हैं अदालत से। लंबी चौड़ी कवायद चली है, लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई चली है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त 2022 को इस मामले में सुनवाई बंद कर दी थी सारे मामलों में। उनका कहना था कि टोटल 9 मामले थे, कुल 9 मामले थे जिनमें से आज 8 ट्रायल में फैसला आ चुका है, और नरोदा गांव का जो ये मामला है ये इसमें ट्रायल अंतिम चरण में है। बहुत सारे करीब 180 से ज़्यादा गवाह पेश किए थे अभियोजन पक्ष ने, बचाव पक्ष ने भी 57 गवाह अपने पेश किए थे। लगातार इस पर सुनवाई हुई, काफ़ी लंबी सुनवाई खिंची, 5 से ज़्यादा जज भी इस मामले में बदल गए, और अब फैसला आया है तो पीड़ितों को ज़रूर निराशा हुई है और उनकी जो इंसाफ की लड़ाई है अब और लंबी हो गई, क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट जाएगा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। यह खबर गुजरात 2002 के दंगों से जुड़ी हुई। नरोदा गांव हिंसा के सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। जहां 11 लोग मारे गए थे, बाबू बजरंगी और माया कारनानी बरी हो चुके हैं। नरोदा ग्राम हत्याकांड के 21 साल बाद यह फैसला आया है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव दे रहे हैं।
राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट से झटका लगा है। मोदी सर ने मामले में उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट से दोषी करार दिए जाने का फैसला रोकने की याचिका सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। अपनी संसद सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी की लीगल टीम अब उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी में है। उमाशंकर की रिपोर्ट देखिए। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। मोदी सर ने मामले में आपराधिक मानहानि का दोषी करार देकर सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। 3 अप्रैल को सूरत सेशंस कोर्ट में पेश होकर राहुल गांधी ने इसके खिलाफ अपील दायर की थी। 13 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। ये बड़ा स्पष्ट है कि उनका पूरा निर्णय इस बात से एक ओवरशैडो हो गया है या ज्यादा प्रभावित हो गया या दुष्प्रभावित हो गया है कि माननीय मोदी जी डिफेम हुए, लेकिन वो बात भूल गए जनाब कि मोदी जी तो कंप्लेनेंट ही नहीं है। क्या ये करप्शन चार्ज का केस था? राहुल गांधी करप्शन चार्ज पे संदिग्ध हैं या अभियुक्त हैं? कांग्रेस इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला बता रही है, जबकि बीजेपी ने कोर्ट के आज के फैसले को गांधी परिवार के खिलाफ बताया है। जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज अ आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली सजा के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है। इसके बाद उनको अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा है। सजा पर रोक नहीं लगती है तो वे अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस की कोशिश होगी कि किसी भी तरह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सजा रद्द कराई जाए। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अतीक अशरफ हत्याकांड में एफएसएल और एसआईटी की टीम ने प्रयागराज में घटना स्थल यानी कि कॉल्विन अस्पताल परिसर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। न्यायिक आयोग के सदस्य भी कल घटना स्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इसी जगह पर 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 3 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये फिल्मों जैसा सीन प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल का, जहां शनिवार रात पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए यूपी पुलिस ने अतीक और अशरफ के डील डॉल जैसे 2 युवकों को अतीक और अशरफ बनाया और ठीक वैसे ही हथकड़ी लगाकर अस्पताल लेकर पहुंचे जैसे हत्या के दिन पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर पहुंची थी। बकायदा नकली मीडिया वाले भी सवाल पूछते नजर आए और मीडिया कर्मी बनकर आए नकली हमलावरों ने नकली अतीक और अशरफ पर गोलियां भी चलाई। पूरे क्राइम रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी भी कराई गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। एसआईटी की पूछताछ में लवलेश ने बताया कि उसके 3 और साथी हैं जिन्होंने बांदा में उसे रिपोर्टर की तरह बोलने और अभिनय करने की ट्रेनिंग दी। बुधवार देर रात यूपी पुलिस ने लवलेश की मदद करने वाले 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक ये कहा जा रहा था कि ये तीनों लोन वुल्फ हैं, यानी इन्होंने तीनों ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, पीछे कोई नहीं था। अब 3 लड़के पकड़े गए बांदा से जो लवलेश को मदद कर रहे थे मीडिया वाला बनने के लिए। कई परतें हैं जो अभी खुलनी बाकी हैं। यूपी पुलिस सुपारी किलिंग के एंगल से भी इस पूरे मामले को जांच रही है। अब तक यूपी पुलिस की तरफ से किसी बड़े अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है कि हमें सवाल पूछें कि उस दिन पुलिस की तरफ से लापरवाही क्यों हुई, क्योंकि एसआईटी ने भी माना है कि लापरवाही हुई, तभी 5 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं। सहयोगी इजो जोसेफ और नितिन गुप्ता के साथ इलाहाबाद से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक चुनावों में भी अब अतीक अहमद मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रताप गढ़ी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक के हिजाब मामले को जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में भुनाया गया था, उसी तरह गैंगस्टर अतीक की हत्या को अब कर्नाटक चुनाव में भुनाने की तैयारी है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए।
गैंगस्टर अतीक की हत्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई, लेकिन कनेक्शन कर्नाटका से जुड़ने लगा। खबर फैली कि उमेश पाल के हत्यारों में से एक गुड्डू मुस्लिम कर्नाटका में छुपा है। एसटीएफ ने इस खबर को निराधार बताया, तो अब एक नया कनेक्शन सामने आया है। बीजेपी सांसद शोभा करण लाजे ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सांसद और स्टार कैंपेनर इमरान प्रताप गरही और अतीक के रिश्तों पर सवाल उठाए। गैंगस्टर आतिक अहमद अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे, ऐसा इमरान प्रताप गढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए, ऐसा इमरान प्रताप गढ़िया को कर्नाटक का इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है, ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है, फ्रेंडशिप मारता है। शोभा करण लाजे ने इमरान प्रताप गढ़ी और अतीक की तस्वीर जारी की, इन दोनों के रिश्तों पर सवाल उठा, तो कांग्रेस ने पलटवार किया। दो अहम सवाल उठाए कि 2008 में यूपीए के विश्वास मत के दौरान अतीक ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर यूपीए के खिलाफ एनडीए के पक्ष में वोटिंग क्यों की और किसके कहने पर की, और बीजेपी बताए कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल उर्फ नंदी और अतीक के बीच क्या रिश्ता था। प्लीज रीड दिस। इन 2008 व्हेन देयर वाज नो कॉन्फिडेंस मोशन। शोभा जी जरा बताइए कि 2008 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान अतीक ने यूपीए के नहीं बल्कि बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस पार्टी वाज वोटिंग इन फेवर ऑफ यूपीए बट अतीक वाज फेवरिंग बीजेपी। शोभा जी ये रिश्ता क्या कहलाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भले ही कर्नाटका के हिजाब विवाद ने बीजेपी की मदद की हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में हुई एक गैंगस्टर की हत्या कर्नाटका में ध्रुवीकरण की वजह बन सकता है। कहना मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में जब नंदिनी बनाम अमूल का मामला उठा तो आरोप लगे कि नॉर्थ की सोच को साउथ पर थोपने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बीजेपी को पीछे हटना पड़ा था। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के चुनाव में इस बार करीब 5,000 प्रोफेशनल्स राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं, ये बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये रिपोर्ट देखिए। इस बार बीजेपी ने कर्नाटक में 50 नए लोगों को टिकट दिया है। इसे राजनीति में एक नए चलन के तौर पर देखा जा सकता है, पेशेवर सियासी मैनेजर के तौर पर भी और स्वयं सेवियों के रूप में भी। बीजेपी इनकी संभावनाओं को बांधते हुए इन चुनावों के लिए डॉक्टरों, इंजीनियरों और टीचरों तक का सहारा ले रही है। स्मृति हरित्स एक यूनिवर्सिटी में काम करती है और वो बीजेपी के साथ पिछले 8 साल से काम कर रही है। शुरुआत 2015 के घोषणा पत्र पर काम से हुई। वो कहती है कि राजनीति में काम करने के लिए बस जुनून की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से इस काम के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि राजनीति में काम करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, लेकिन अगर आप में अपनी बात असरदार ढंग से कहने की सहूलियत है, लोगों के साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो ये मददगार साबित होगा, क्योंकि आखिरकार राजनीति तो लोगों से जुड़ने का ही नाम है। आपके अंदर लोगों की सेवा का जुनून होना चाहिए, इसके अलावा समाज को बदलने की चाहत भी होनी चाहिए। यहाँ बहुत से नए लोग हैं, उन्हें इस तरह की मदद चाहिए। उन्हें चुनाव का प्रबंधन नहीं आता। ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं जो जनता तक पहुंच सके। तो कुछ लोग आकर बताएंगे कि वो उनकी सारी समस्याएं चुटकी में हल कर देंगे, मूल मंत्र देकर सारा काम निपटा देंगे।
केजी स्वामी मीडिया सलाहकार और राजनीतिक रणनीतिज्ञ है। उनकी राय में सियासी अभियानों की तैयारी के लिए होमवर्क बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा उम्मीदवार के साथ उनका तालमेल भी होना चाहिए। ट्रस्ट मैटर्स एक्चुअली, नॉर्मली दे डोंट ट्रस्ट। भरोसा होना चाहिए। अमूमन एक दो बैठक में आप पर कोई भरोसा नहीं करने लगेगा। पहले वो आपको छोटा मोटा कोई काम दे देंगे, एक बार हम उनके पास जाने लगेंगे तो भरोसा बढ़ेगा और फिर बड़ा काम मिलने लगेगा, वो चाहे सर्वेक्षण का काम हो या सोशल मीडिया का। लेकिन भरोसा हासिल करना भी एक चुनौती होती है। सूत्रों के हिसाब से अलग अलग राज्यों के करीब 5,000 पेशेवर फिलहाल कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं और कई उम्मीदवारों की राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं। मुझसे पश्चिम बंगाल, मुंबई, ओडिशा और भी कई जगहों से कम 40-50 राजनीतिक रणनीतिज्ञों ने संपर्क किया। सीधी सी बात है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका कंपनीकरण या कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं। इसका फायदा होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये एक पेशा है, उनके लिए एक कारोबार है। हालांकि कई नेता ऐसे नौजवान पेशेवरों पर दाव लगा रहे हैं जो सियासी राजनीति के मैदान में अपने कदम रख ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस मैदान में पेशेवर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। क्या इन लोगों को संगठनात्मक शासन आता है या ये महज सत्ता का फल चखने के लिए आए हैं? इसका सवाल चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। बेंगलुरु से प्रतिभा रामन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत सरकार के बीच की तनातनी एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। ताजा मामला है जयपुर के परकोटा इलाके का, जहां पर सचिन पायलट बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में उस धरने पर बैठे दिखाई पड़े जहां रामप्रसाद मीणा नाम के एक शख्स की खुदकुशी को लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। पायलट ने भी गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जयपुर के परकोटा इलाके में रामप्रसाद मीणा नाम के शख्स ने 4 दिन पहले खुदकुशी की है और इससे पहले उसने वीडियो जारी किया था जिसमें आरोप लगाया कि मंत्री महेश जोशी और कुछ अन्य लोग उसे दस्तावेज होने के बावजूद मकान बनाने नहीं दे रहे और वो जिस मंदिर परिसर में रह रहा था उससे भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन से मृतक रामप्रसाद मीणा के परिजन शव के साथ ही धरने पर बैठे हैं, जिसे बीजेपी भरपूर समर्थन दे रही है और अब इसे पायलट का समर्थन भी मिल चुका है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है क्योंकि पायलट इस मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मुखर हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकरण में बहुत जल्द न्याय मिलेगा और जो भी सरकार को कदम उठाने हैं उठाने चाहिए और पुलिस प्रशासन को बिना दबाव के निष्पक्ष होकर एक जांच गठित करनी चाहिए ताकि लोगों के मन में विश्वास कायम रहे। जो व्यवस्था हमारे प्रदेश में है और देश में है, उस व्यवस्था से इन लोगों का मन हटना नहीं चाहिए। इसलिए सभी एविडेंस को, प्रमाणों को, सरकमस्टेंसेस को सबसे बात करने के बाद एक जांच गठित हो और न्याय लोगों को मिले, इस परिवार को न्याय मिले, ये हम सब सामूहिक रूप से मांग रहे। इनसे बहुत बड़ा नुकसान होता पार्टी को, हमारी सारी योजनाओं का। एक घटना ऐसी हो जाती है जो सब पे पानी फेर देती है, इसलिए उसका तुरंत समाधान करना चाहिए। हमसे मुख्यमंत्री महोदय ने अभी किया कि भाई उसके लिए हम समाधान शीघ्र कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ मरते टाइम आदमी झूठ नहीं बोलता, और जो उसके वीडियो है उसके बारे में पूरी जाँच होनी चाहिए, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो उसकी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक व्यक्ति इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसको मकान नहीं बनाने दिया जाता पट्टा होने के बावजूद, तो मामला बहुत गंभीर है। ऐसे में किन अधिकारियों की गलती है, कहां कहां कौन अधिकारी जिम्मेदार है, वो सब ये मामला मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा भी है कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बच्चों के बीच सुपर मारियो वीडियो गेम खासा पसंद किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आजकल कांग्रेस और बीजेपी यही गेम खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में मामा यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में काका यानी कि भूपेश बघेल का सुपर मारियो अवतार सामने आया है। अनुराग द्वारे की रिपोर्ट देखिए। ये
ये मामा का मारियो अवतार है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान कल्याण, कोरोना को मात, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कुपोषण, बेरोजगारी, संबल योजना, मेधावी विद्यार्थी योजना के बूते 2023 को फतह करते हैं, रेस में कांग्रेस नेताओं को पछाड़ते दिखते हैं। हफ्ते भर पहले पड़ोसी छत्तीसगढ़ में काका यानी भूपेश बघेल मारियो अवतार में थे, वो भी कर्ज माफी, कोरोना को मात, न्याय योजना, कुपोषण, धान खरीदी जैसी योजनाओं को लेकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे को बुलंद करते हैं। मुख्यमंत्री जी, अब कितने भी मारियो गेम से जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करें, अब सारा गेम जनता के हाथ में है। शिवराज सिंह जी सिर्फ कॉपी ही करते हैं, कभी भूपेश बघेल जी की, कभी योगी आदित्यनाथ जी की। चाहने वालों की एक सोच है और चाहने वालों की लोकप्रियता का हिसाब से इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती समय समय पर। निश्चित तौर पे आज बड़ी संख्या में युवा ऑनलाइन इस तरह के चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इस तरह के गेम से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे लोकप्रियता का पैमाना है, फर्क पड़ता है इससे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में ये चुनावी साल है, विपक्ष जहां सरकार की खामियां गिनाकर उसे घेरने में जुटा हुआ है, तो वहीं सरकार अपनी खूबियों को गिनाकर जनता के दिल में अपना स्थान बरकरार रखने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। सुपर मारियो बच्चों में खासा लोकप्रिय है, खेलने की कोशिश मैं भी कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हो रहा। बहरहाल सियासत में इन दिनों ये खेल खासा लोकप्रिय है, अब देखना होगा कि क्या इसके बूते काका मारियो या मामा मारियो अपने अपने राज्यों में चुनाव में सफल होते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने का वादा नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक समझौते पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। नीता शर्मा की रिपोर्ट देखिए। 2024 चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति बहाली को लेकर एक और मोर्चा जीतती दिखी। जब 50 साल पुराना असम और अरुणाचल के बीच चल रहा विवाद खत्म करने में वो कामयाब हुई। 1972 से लेकर आज तक जिस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं जा सका, लोकल कमीशन की रिपोर्ट 72 से अब तक अलग अलग स्तर पर कभी सरकारों में कभी अदालतों में विवाद से ग्रस्त रही, वो रिपोर्ट को एक प्रकार से दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार कर 700 किलोमीटर से लंबी लगभग 800 किलोमीटर की असम अरुणाचल सीमा का विवाद आज समाप्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोनों राज्य लगभग 800 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं और इस समझौते से लगभग 123 गांवों के बीच शांति बहाली की उम्मीद है। आज हमने लगभग सारे विवाद का समाधान कर लिया। हमने 23 जो डिस्प्यूटेड विलेज है, इसमें कोई दो एक विलेज होगा जहां में हमें खाली सीमांकन आगे जाके सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोसेस करवाना है, बाकी लगभग 123 विलेज में ही हमारे बीच में समझौता हुआ। दोनों ही राज्य का जो रीजनल कमिटीज, जो 12 रीजनल कमिटीज गठन हुआ था, मैं दोनों रीजनल कमिटीज के सभी चेयरमैन और मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि बहुत दफा पर वो लोग ने ग्राउंड में जाके लोगों से मिला, अरुणाचल असम के जनता वहां के कम्युनिटी लोगों के साथ ने मिलकर इस रेजोल्यूशन में हम लोग आ पाया है। पूर्वोत्तर में केंद्र लगातार शांति बहाली की कोशिश में लगा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री के मुताबिक इसी वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में मोदी काल में 68% हिंसा में कमी आई है। उत्तर पूर्व के 70% राज्यों में AFPA से हटाया जा चुका है। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों और अरुणाचल के 26 जिलों में से सिर्फ 3 जिलों में AFPA से बचा है। नागालैंड के 12 जिलों में से 7 जिलों में से कानून हटा दिया गया है, जबकि त्रिपुरा और मेघालय में से पूरी तरह ये कानून हट चुका है। असम अरुणाचल बॉर्डर सेटलमेंट का जो MOU साइन हुआ है, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है
सीमा विवाद का पूरा लक्षण पूरा सारा साफ हो चुका है। अब कुछ पॉकेट्स में सिर्फ डिलिनेशन करना है, एग्रीमेंट हो गया है, सिर्फ ग्राउंड में कुछ डिलिनेशन करना है, कुछ पोर्शन में बाकी है, लेकिन ओवरऑल एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। छोटे छोटे मसलों को लेकर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में कई सालों से विवाद जो है वो चले आ रहे हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में भी ये विवाद 1972 से चला आ रहा था, लेकिन दोनों राज्यों ने बातचीत के जरिए ये विवाद सुलझा लिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरह बाकी के राज्य भी बातचीत के जरिए जो विवाद सालों से चले आ रहे हैं उन्हें सुलझाने में कामयाब होंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल अचानक से दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पहुंच गए और छात्रों से बातचीत की। राहुल ने छात्रों से बातचीत में कई तरह के सवाल भी पूछे। इस दौरान प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। मुखर्जी नगर इलाके में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं। राहुल गांधी ने वहां पर पहुंचकर उनके साथ संवाद किया। भीषण गर्मी को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के स्कूल आज से बंद रहेंगे। अगला शैक्षणिक सत्र 15 जून से शुरू होगा और विदर्भ में स्कूल 30 जून से शुरू होंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इसकी घोषणा की है। ये भी कहा गया है कि जो स्कूल छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त गतिविधियां संचालित करना चाहते हैं उन्हें सुबह या फिर शाम के सत्र में ही कराया जाए। देश के कई राज्य पिछले कई दिनों से लू का संकट झेल रहे हैं। तापमान औसत से ज्यादा बढ़ने से बिजली की मांग भी बढ़ी है। मंगलवार को देश में बिजली की अधिकतम मांग 215.88 गीगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक के रिकॉर्ड 216 गीगावाट को लगभग छूने वाली है। देश के कई हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और लू के संकट के साथ ही बिजली की मांग पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार और बुधवार के बीच बिजली की मांग करीब 5 गीगावाट बढ़ गई। 15 अप्रैल को एक समय बिजली की अधिकतम मांग 202.6 गीगावाट पहुँच गई, जबकि 16 अप्रैल को 194.97 गीगावाट तक चली गई। 17 अप्रैल को यह आंकड़ा 210.82 गीगावाट पहुंचा, जबकि 18 अप्रैल को 215.82 गीगावाट जा पहुंचा, यानी रिकॉर्ड 216 गीगावाट के लगभग बराबर। और 19 अप्रैल को यह अधिकतम मांग एक समय 214.92 गीगावाट तक रही। एक अनुमान के मुताबिक इस साल गर्मी के सीजन में बिजली की मांग बढ़कर 229 गीगावाट के स्तर तक पहुंच सकती है। गर्मियां बढ़ने के साथ एक बार फिर देश में बिजली की मांग बहुत बढ़ रही है और 18 अप्रैल को 212,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई है। आने वाले दिनों में यह 222,000 मेगावाट तक बिजली की मांग हो सकती है। जो प्रोजेक्ट किया गया है इस वर्ष 230,000 मेगावाट तक बिजली की मांग जा सकती है। कई राज्य सरकारें गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग में आई तेजी से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में पावर की डिमांड में काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बिजली की मांग बढ़ने का असर उसकी कीमत पर भी पड़ रहा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के डे अहेड मार्केट में पिछले 10 दिनों में बिजली की औसत कीमत 6 रुपए प्रति किलोवाट आवर से बढ़कर 7 रुपए प्रति किलोवाट आवर से अधिक रही है। उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों में भी औसत से अधिक तापमान की वजह से बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और कुछ इलाकों में पावर कट भी रिपोर्ट की गई है। एक तरफ गर्मी से जिंदगी बेहाल है, दूसरी तरफ बिजली नहीं रहने के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। खबर आ रही है मेघालय से, जहां पे गारो हिल्स में 3 जिलों में गर्मी बहुत ज्यादा है। स्कूल बंद है, मगर बच्चे जो घरों में हैं उनके लिए मुसीबत अभी भी है, क्योंकि घरों में बिजली नहीं है घंटों तक। और दूसरी तरफ त्रिपुरा में गर्मी के मौसम में सरकार प्रबंध करने की कोशिश कर रही है कि बिजली 2400 घंटे रहे। नॉर्थ ईस्ट इज गोइंग टू हैव लेस टोटल रेन, बट इट्स आल्सो गोइंग टू हैव लॉट मोर एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन। नॉर्थ ईस्ट में कुल मिलाकर कम वर्षा होगी, इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। और एक सवाल ये भी है कि ठंड वाले इलाकों में इतनी गर्मी क्यों है,
हमारे डाटा बताते हैं कि 2030 तक नॉर्थ ईस्ट में और गर्मी हो सकती है और ये जारी रह सकती है. Lot more like, you know, warmer days. So this is a pattern that we anticipate to see, and we think it's going to continue. पिछले एक हफ्ते के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के साथ साथ उत्तर पूर्व में त्रिपुरा और मेघालय में औसत से अधिक तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूर्वी भारत के राज्यों में लू का संकट दो दिन और बना रहेगा. जाहिर है आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग और बढ़ सकती है और इसके साथ ही इस मांग से निपटने की चुनौती भी. दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया. सोशल मीडिया की ताकत ने आम और खास के बीच की दूरी को मिटा दिया है. कठुआ के स्कूल की एक छोटी सी बच्ची ने पीएम से एक प्यारी सी अपील की है, कहा है कि प्लीज मेरा स्कूल ठीक करवा दीजिए. देखिए. मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोही मल्हार में रहती हूँ. मेरे को ना, मैंने ना आपको एक बात बोलनी है. मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोही में पढ़ती हूँ. मुझे ना आपको एक बात बोलनी है. आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो. कक्षा 3 की सीरत नाज ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि वो उसके स्कूल की बुनियादी सुविधाएं सुधारे. इसके कुछ ही दिन के भीतर काम शुरू हो गया. ये स्कूल जम्मू कश्मीर के कठुआ गांव के एक सुदूर गांव में पड़ता है. छोटी सी सीरत की अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इसका फौरन असर भी हुआ. शिक्षा विभाग के बड़े अफसर लोहाई मल्हार गांव पहुंचे और उन्होंने स्कूल का काम पूरा करने का आदेश दिया. बच्चों के लिए शौचालय आदि का भी. सीरत मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात सुनी तो काम शुरू हुआ. यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं कि इस बिल्डिंग के अलावा जिसकी बात बच्ची ने की थी, इसके अलावा भी यहाँ लगभग 1 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है स्कूल में ऑलरेडी सेंक्शन्ड है. तो वो काम थोड़े से रुके हुए थे पानी की भरने की वजह से या किसी वजह से, तो वो हमने शुरू करवा दिए हैं. गांव में स्कूल का काम 2014 में शुरू हुआ था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां आए, लेकिन काम में देरी और लागत बढ़ने की वजह से 2017 में काम अधूरा रह गया. 2018 से राज्य में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है. ऐसे में सीरत के इस दिल छू लेने वाले संदेश ने काम किया. नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया. इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेस्ट फ्लाइट के दौरान फट गया. इसे चंद्रमा, मंगल और दूसरी जगहों पर यात्रियों के साथ भेजने के लिए बनाया गया था. इसे टेक्सास में बोका चिका के निजी स्पेसएक्स स्पेसपोर्ट स्टार बेस से कामयाबी से छोड़ा गया. स्टारशिप कैप्सूल को फर्स्ट स्टेज रॉकेट बूस्टर से 3 मिनट के भीतर ही अलग हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. Was icing on the cake.